आप यहाँ देख पाएंगे जो ब्लू कट लेंसेज हैं उसमें हल्का सा येलोइश टिंट, यानी कि जो भी चीज़ व्हाइट है वो आपको हल्का सा ऑफ वाइट दिखाई देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पेक्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप उनमें से एक हैं जिनको ब्लू कट लेंसेज नहीं पहनने चाहिए? तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या है ब्लू कट के अंदर जो कभी कभी किसी प्रोफेशन के हिसाब से सूटेबल नहीं है? उसके बाद हम ये जानेंगे कि ब्लू कट लेंसेज ऐसे कैसे बनाए जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, और किन किन लोगों को ब्लू कट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल लेंस में और एक ब्लू कट लेंस में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ लोगों को ये सूटेबल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर दो लेंसेज हैं, आप देख पाएंगे दोनों ही विद एंटी रिफ्लेक्शन है। जो आप ये कोटिंग्स देख रहे हैं, दैट इज़ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। और यहाँ आप ये पाएंगे कि एक लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, और एक लेंस हल्का सा येलोइश टिंट पे है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्शन विदाउट ब्लू कट एंड दिस इज़ एंटी रिफ्लेक्शन विद ब्लू कट। तो ये आपका ब्लू कट लेंस हो गया, ये आपका विदाउट ब्लू कट हो गया। आप यहाँ देख पाएंगे जो ब्लू कट लेंसेज हैं उसमें हल्का सा येलोइश टिंट, यानी कि जो भी चीज़ वाइट है वो आपको हल्का सा ऑफ वाइट दिखाई देगी। तो दैट इज़ प्रॉब्लम विद ब्लू कट लेंसेज, कि कोई भी चीज़ जो 100% वाइट है वो आपको ब्लू कट लेंसेज में कुछ ऑफ वाइट दिखाई देती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्लू कट कैसे बनाए जाते हैं, उसकी वजह से ये डिसकलरेशन इसमें आता है हल्का सा। तो यूजुअली जितनी भी वाइट चीज़ें होंगी वो आपको हल्का सा येलोइश टिंट में दिखाई देगी। तो आप जानते हैं कि ब्लू कट लेंसेज बनाए कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा जो एंटी रिफ्लेक्शन लेंसेज हैं, डेट इज़ ट्रांसपेरेंट लेंस, क्रिस्टल क्लियर लेंसेज, और जो ब्लू कट लेंसेज हैं उसमें हल्का सा टिंट होता है या हल्का सा ऑफ वाइट कलर हो जाता है जब आप उनके थ्रू देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक रीज़न इसका है, नॉर्मल लेंसेज की तरह ही ब्लू कट बनाए जाते हैं, बट जब आप ब्लू कट लेंसेज बनाते हैं तो उसमें ब्लू ब्लॉक एक डाई आती है जो उसमें इंजेक्ट की जाती है, ताकि वो ब्लू ब्लॉक की प्रॉपर्टी या ब्लू कट की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ सके। या दूसरा मेथड होता है कि एक फिल्म डाली जाती है, डैट इज़ कॉल्ड ब्लू ब्लॉक फिल्म, जिसकी वजह से वो लेंसेज ब्लू कट होते हैं। इस डाई या इस फिल्म को डालने की वजह से लेंस में हल्का सा टिंट आता है, उस टिंट को आप देखते हैं, जिसकी वजह से आपको हल्का सा ऑफ वाइट या येलोनेस दिखाई देती है लेंस के थ्रू देखने पर। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें आपको वो लेंसेज यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए बात करते हैं कि प्रॉब्लम किन प्रोफेशंस में होती है। सो नंबर वन, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो डिज़ाइनर्स होते हैं या पेंटर्स होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं, तो उनको कलर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो जब आप नॉर्मली, आपने पाया जब आप ब्लू कट लेंसेज से देखते हो तो हल्का सा येलोनेस या हल्का सा ऑफ वाइट कलरेशन आ जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, तो उन लोगों को ये लेंसेज सूटेबल नहीं है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता हूँ और जो मुझे फीडबैक मिलते हैं। नंबर टू, जिनको कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का इशू है वो लोग बिल्कुल भी ब्लू कट ना लें। आई हैव सीन मैनी कस्टमर्स जिनको मैंने ब्लू कट बना के दिया और दे आर हैविंग दिस इशू, और वो वापस आए और उन्होंने बोला सर ये हमें सूट नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि वो लोग ब्लू कट लेंसेज बिल्कुल ना लें। नंबर थ्री, जिनको रात होने के बाद या शाम होने के बाद विजन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस लेंस को अवॉइड करें। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी चश्मा पहन रहे हैं, जिन्होंने एंटी रिफ्लेक्शन चश्मा पहना हुआ है या विदाउट एंटी रिफ्लेक्शन पहना हुआ है, वो आए उन्होंने ब्लू कट लेंसेज बनवा लिए, उसके बाद वो आई स्ट्रेन या हैवीनेस फील करते हैं, तो डेफिनेटली ब्लू कट लेंसेज उनके लिए भी नहीं है। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, ये इश्यूज होते हैं, तो हमें ब्लू कट अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को देने के लिए। सिंपली आप एंटी रिफ्लेक्शन लेंसेज पहनिए और उनको यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो ब्लू लाइट रेज निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होती। ये साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है कि वो ब्लू लाइट आपको जो ब्लू कट लेंसेज हैं उसमें कुछ हद तक ही हेल्पफुल हैं, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।